श्री श्री तत्व ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए आयुर्वेदिक दवाई बनाई है। श्री श्री तत्व और श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च के साथ मिलकर के NAOQ-19 नाम से हर्बल दवाई बनाई गई है और इस दवाई का प्रयोग कोरोना संक्रमण वाले मरीजों पर किया गया है और परिणाम काफी अच्छे मिले हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी इस दवाई को मान्यता दे दी है और आपको बता दें कि 13 शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मिला करके इस दवाई को बनाया गया है। ये दवाई इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। आयुर्वेदिक होने की वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। देखिए, हमारी जो पर्टिकुलर साइट थी इसमें हमने 124 पेशेंट्स रिक्रूट किए थे इस पर्टिकुलर स्टडी में, जिसमें इट वाज जैसे हमने आपको बताया, ये रैंडमाइज स्टडी है जिसमें हम एक आर्म में प्लेसिबो दे रहे थे और एक आर्म में NOC-19। तो वी वर नॉट नोइंग कि किस आर्म में किसको क्या दिया जा रहा है। एंड जो हमने रिजल्ट्स देखे, जो हमारे सामने अब रिजल्ट्स आते हैं, वो ये है कि NOC-19 आर्म में जो RT-PCR जो पेशेंट्स हैं नेगेटिव हो गए, ऑलमोस्ट एक तिहाई पेशेंट्स हमारी साइट पे थर्ड डे पे ही नेगेटिव हो गए जिसमें NOC-19 दिया गया। इसके अलावा जो सबसे एक इंटरेस्टिंग बात हमारी साइट्स पे एक और आई थी कि जो पेशेंट्स को ऑलरेडी कोविड का टीकाकरण लगा हुआ था, दोनों डोजेस लगी हुई थी, वो दूसरे ही दिन जो NOC-19 पे थे वो कोविड नेगेटिव हो गया और उनमें कोई भी सीवियरिटी और सिम्टम्स नहीं आई। सातवें दिन तक औसतन हमारे साइट पर लगभग 85% तक लोग जो कि NOC-19 पे थे वो नेगेटिव हो गए थे हमारी साइट पे। और एवरेज टाइम अगर आप बात करें हमारी साइट पे कितना टाइम लगा RT-PCR नेगेटिव होने में, तो वो अराउंड 5 दिन था। इफ यू टेक एन एवरेज, है ना, कि सारे स्टडी सब्जेक्ट्स को देखे जाए तो वो 5 दिन था तकरीबन। और इसके अलावा सबसे अनोखी बात ये भी थी कि हाँ, कोई भी पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं था। सो ओनली माइल्ड एंड मॉडरेट पेशेंट्स को हमने ये ड्रग दिए और एनरोल किया स्टडी में। जो हमने देखा कि RT-PCR वॉज यूज एट द बेस, द प्राइमरी बेस, के डे जीरो पे जो पॉजिटिव थे, डे थ्री पे क्या रिजल्ट था RT-PCR का और डे सेवन पे क्या रिजल्ट था। एंड हमने ऐसे डबल ब्लाइंड स्टडी थी, डबल ब्लाइंड स्टडी मतलब कि पेशेंट को नहीं पता था उनको दवाई मिल रही है कि प्लेसिबो मिल रहा है। पहला पेशेंट जो एनरोल हुआ, जैसे एक चीज दी, दूसरे पेशेंट को दूसरे डब्बे से, ऐसे करके 100 पेशेंट, सो 50-50। और हमने देखा कि डे थ्री पे जब हमने RT-PCR करा तो देयर वाज अ ग्रेटर नंबर ऑफ पेशेंट्स जो RT-PCR नेगेटिव निकले वर्सेस द प्लेसिबो ग्रुप। डे सेवन पे और भी ज्यादा, एंड इफ यू लुक एट आर रिजल्ट, डे सेवन पे इट वाज 80% वर्सेस 56%, विच इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। पर इसमें क्या है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मतलब कि बियॉन्ड चांस कि देयर इज एक्चुअली ड्रग का इफेक्ट। सो दैट वाज इट। श्री श्री तत्व के MD अरविंद जी मेरे साथ हैं और आज एक कोरोना को लेकर के एक दवाई लॉन्च की गई है, बात करेंगे। सर, दवाई किस तरह काम करती है और किस चीज़ में प्रभावकारी और क्या नाम है? हाँ जी, तो दवाई का नाम NOC-19 है और आज हम ये पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से उसको अप्रूवल मिला है एज ए सपोर्टिव ड्रग, एज एन एड ऑन थेरेपी फॉर माइल्ड टू मॉडरेट COVID-19 केसेस। और इसका एफिकेसी को लेकर हमने बहुत सारे कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं। हमारे जो एपेक्स इंस्टीट्यूट्स भी हैं, एम्स जोधपुर, जिनके इट इज़ अ वेरी एपेक्स इंस्टीट्यूट हियर इन इंडिया, तो उनसे भी हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं। और उसके बाद ये रिगरस ट्रायल्स के बाद अभी क्या मंत्रालय ने हमें ये अप्रूवल दिया है और ये हम पूरी देश और विदेश से हम ये शेयर आज करना चाहते हैं। किन सिम्टम्स में ये प्रभावकारी होगी, माइल्ड में या कोई गंभीर हैं उनमें, और इंग्रेडिएंट क्या है, हर्बल है या अंग्रेजी मेडिसिन है? तो ये जो मेडिसिन है वो पूरी तौर पर हर्बल है, वो आयुर्वेदा मेडिसिन है। और ये जो सिम्टम्स हैं, माइल्ड टू मॉडरेट जो कुछ भी सिम्टम्स हैं वो उसके ऊपर काम करती है। ये बहुत प्रिवेंटेटिव भी है और अभी क्यूरेटिव होने के लिए हमने ये पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल किए हैं जिसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी अभी मिला है। कब से अवेलेबल हो जाएगी लोगों के लिए? ऑलरेडी अवेलेबल है, www.shrishitatva.com पे अवेलेबल है, पूरी देश में ऑलरेडी अवेलेबल है। और यदि आप हमारा ऐप भी डाउनलोड करना चाहते हैं, श्री श्री तत्व, जो एंड्रॉयड और एप्पल के लिए भी है, उधर से भी मिल सकते। थैंक यू वेरी मच। तो
WHO के लिए भी भेजा जाएगा और एक दवाई पूरी तरह से हर्बल जो कोरोना के लिए प्रभावी दवाई श्री श्री तत्वा की तरफ से बनाई गई, इसमें हर्बल प्रोडक्ट डाले गए हैं और इनका कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको अप्रूवल दे दिया है, लोगों के बीच पहुंचना शुरू हो गया। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़। श्री श्री तत्वा की ओर से कोरोना को लेकर के हर्बल मेडिसिन जो है आज आयुष मंत्रालय से उसको हरी झंडी मिल गई है, लोगों के बीच आ गई है। और मेरे साथ डॉक्टर पंकज हैं, हेड ऑफ रिसर्च, जिन जो रिसर्च हुई है वो इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या है इसमें, किस तरह लोगों को प्रभारी होगी। सर पहले तो इसके बारे में बताइए, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है और किस तरह से काम करती है? जो ये नॉक 19 का प्रोडक्ट श्री तत्वा की तरफ से हमें दिया गया था एम्स जोधपुर को जांच के लिए, एक ट्रायल के मोड में दिया गया था। ये एक ऐसी हर्ब फॉर्मुलेशन है जिसमें कुछ 13 हर्ब्स हैं। जब हमें ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई तो हम इसे एक इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट करके लेते हैं। एक बात आप हमेशा समझनी होगी सभी हमें सुनने वालों को कि जब भी कोई ट्रायल होता है उसमें जो ट्रायल करने वाले मेडिकल कॉलेजेस या कोई भी संस्था होती है वो ब्लाइंड होते हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन सी आम में कौन सी दवा दी जाएगी। तो हमने एम्स जोधपुर की तरफ से 150 मरीजों के ऊपर ये ट्रायल किया था जिसमें हमारी साइट के साथ एम्स ऋषिकेश और पांडिचेरी का श्री मनायाकुला इंस्टीट्यूट था। तो हमने दो आम में ये स्टडी की थी और एक आम को हमने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्लस प्लेसिबो और एक को हमने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्लस नॉक 19 दवाई दी थी। तो यदि आप हमसे पूछें इसके रिजल्ट्स क्या रहे थे तो रिजल्ट इसके बहुत सही देखने को मिले। हमने एक जो डे 3 और डे 7 पर RT-PCR नेगेटिविटी देखने की कोशिश की और कुछ करीबन 89% केसेस जो डे 7 थे वो नेगेटिव हुए इन केसेस ऑफ नॉक 19 और कुछ 72% केसेस जो प्लेसिबो वाला था। तो कुछ करीबन ये जो 15-17% डिफरेंस है इसका क्लिनिकली बहुत सिग्निफिकेंस है और कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स हम कहते हैं तो मरीजों को वो जब हमने उनसे बात की तो वो उन्हें अच्छा देखने को मिला। तो ये थे डॉक्टर पंकज जिनका कहना है कि ये पूरी तरह से साइड इफेक्ट नहीं आया, ट्रायल हुए हैं, अलग अलग जगह हुए हैं, एम्स जोधपुर में इन्होंने भी अपने जो सैंपल रेट था काफ़ी था और इसमें अब क्योंकि माइल्ड और मॉडरेट को ये दी जा सकती है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़।